हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे एनएलपी, जिसका फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था कि कौन सी इसके अंदर टर्म्स आती हैं और किस टर्म का मीनिंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, सिम्बल्स, रूल्स, सब हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एनएलपी, यानी कि डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनएलपी। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। किसकी ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? कंप्यूटर साइंस की, दैट फोकस ऑन डेवलपिंग द सिस्टम, जिसका टोटली फोकस किसके ऊपर होता है? एक सिस्टम को डेवलप करने पर, ठीक है। किस सिस्टम को डेवलप करने पर? दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज। मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये कंप्यूटर साइंस की ही एक फील्ड है। और ये करती क्या है? इसका काम होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाए जो नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके ह्यूमन के साथ, पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सके। नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज करके, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, उर्दू, फारसी, इन सब चीज़ों का, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जिसकी जो मदर टंग है, उसका यूज करके वो कम्युनिकेट कर पाए एक कंप्यूटर सिस्टम किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। यही मेन फोकस होता है एनएलपी का। और ये किसकी ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस भी आप लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो। दोनों ही डेफिनेशन इसकी सही रहेगी। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स, नीड्स एंड गोल। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कंपोनेंट्स पर डिस्कस करने के, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनएलपी के। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि डेफिनेशन क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है। सपोज करो कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो उसमें कुछ ना कुछ यूज होगा। अगर कोई रोबोट बनाना है तो उसके अंदर हार्डवेयर पार्ट भी यूज होगा और सॉफ्टवेयर पार्ट भी यूज होगा उसके अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग होगी। प्रोग्रामिंग के बिना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हो पाएगा, राइट। कि कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हो रही हो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि एक चीज़ अगर हम कुछ बना रहे हैं ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो, खाने की, पीने की, या कोई यूज करने की चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो उसमें उसके कंपोनेंट्स जरूर होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, ये हमने पढ़ना है कि एनएलपी जो हम बनाते हैं, एनएलपी एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इसके अंदर कौन सी हमें कंपोनेंट्स मिल सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट आता है इसका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। हमें करना क्या है? नेचुरल लैंग्वेज पर प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। प्रोसेसिंग में क्या होगा? सबसे पहले वो हेयर करेगा, यानी सुनेगा, कंप्यूटर सिस्टम हमारी वॉइस को सुनेगा, सुनने के बाद उसको एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, देन जाकर वो राइट करना स्टार्ट करेगा। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एक कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस, जनरेट करना। अंडरस्टैंड करने के बाद ही तो जनरेट करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट आए यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? द गोल ऑफ एनएलयू, यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का गोल क्या है, मेन पर्पज क्या है? इज टू अनेबल द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द पीपल वेल इनफ टू परफॉर्म इंटेंडेड अप्रिशिएट एक्शन। अब कंप्यूटर को सपोज करो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर एनएलपी सिस्टम है और एक ह्यूमन है, एक पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है किसके साथ? कंप्यूटर सिस्टम के साथ। वो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ कमांड देना चाहता है कि आप ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करो, ठीक है। अब एक ह्यूमन पर्सन कैसे उसको कमांड देगा? दो ही तरीके हैं, या तो वो लिख दे कमांड को, राइट करे सब चीज, या फिर वो बोले कि ये कमांड आप प्रोसेस करो, ठीक है। अब लिखने वाला तो हमें सबको पता है कि लिखेंगे, उसको रन करेंगे, देन वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। बट यहाँ पर बात होती है बोलने की, स्पीक करने की। अब यहाँ पर खड़े होकर पर्सन जो है वो स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, और मेन पर्पज क्या है एनएलयू का? कि जो पर्सन बोल रहा है वही सेम बात कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड कर पाए कि पीपल जो है उससे क्या चाहता है, वो क्या बोल रहा है, उसके वर्ड्स को कैच करे, एनालाइज करे, वर्ड को चेक करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, देन उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे दे, ठीक है। सपोज करो जैसे चैट जीपीटी को लगा लो आप एग्जाम्पल में, हमने वहाँ पर लिखा चैट जीपीटी में जाकर कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स। हो किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, जैसा लिखोगे वैसा ही आपको वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पुट किया। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें कितने वर्ड्स का लेंगे? कंपोनेंट ऑफ एनएलपी, ये जितने वर्ड हैं इसके अंदर भी वर्ड्स है, सी ओ एम पी ओ एन एल पी, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि ये कहना क्या चाहता है, क्या कंपोनेंट वर्ड मेरी डिक्शनरी में है, डिक्शनरी में है भी तो इसका मीनिंग क्या है, जो भी मीनिंग होगा इस पूरे सेंटेंस का उनको एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा
ये जो पर्सन है मेरे से ये कमांड चाहते हैं कि मैं इसका आंसर दूँ निकाल के, और इसका क्वेश्चन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, देन वो हमें बता देगा कंपोनेंट्स कौन से हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इसके डिक्शनरी में ही प्री डिफाइंडेड हैं। देयरफॉर द एनएलयू इज द टास्क अंडरस्टैंडिंग एंड द रीजनिंग विल द बाय इनपुट इज नेचुरल लैंग्वेज। इसीलिए क्या कहा गया है कि एनएलयू का जो मेन टास्क है वो है रीजनिंग कर पाना, समझ पाना, यानी अंडरस्टैंड कर पाना जो भी ह्यूमन उसको इनपुट दे रहा है। वो ह्यूमन की मर्जी है वो बोल कर दे या लिख कर दे, उसको दोनों तरह से समझ में आना चाहिए, दोनों तरह से वो अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि अब यूजर तो अपनी मर्जी से इनपुट दे देगा, वहां से प्रोसेस होकर अंडरस्टैंडिंग तक आ गया। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने समझ लिया कि ह्यूमन क्या कहना चाहता है, बट अब ह्यूमन और पर्सन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? ह्यूमन को अपनी लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। चाहे उसने पर्सन के इनपुट को समझ लिया बट वो अपनी इनपुट तो 0101 ही करेगा, ठीक है? 0101 पर ही उसका जितना भी सिस्टम है वो चलता है। उस 0101 से उसको उसी लैंग्वेज में आउटपुट देना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में ह्यूमन ने या पर्सन ने उसे क्वेश्चन किया है। अगर पर्सन ने इंग्लिश में क्वेश्चन किया है देन वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आउटपुट डिस्प्ले करे, हिंदी में क्वेश्चन किया तो हिंदी में ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है? तो वो अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज है, क्या कहना चाहता है, वर्ड्स कौन से है, अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, देन लास्ट में प्रोसेसिंग करने के बाद जनरेट कर देगा आउटपुट, ठीक है? अ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन प्रोग्राम हैज द थ्री कंपोनेंट्स। इसके अंदर थ्री टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? द प्रोग्राम मस्ट डिसाइड व्हेन टू से समथिंग। सबसे पहले प्रोग्राम को यह पता होना चाहिए अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको कब बोलना है, व्हेन टू से समथिंग, कब उसको कुछ बोलना है। नेक्स्ट द प्रोग्राम मस्ट डिसाइड व्हाट टू से। प्रोग्राम को यह पता होना चाहिए क्या बोलना है एंड हाउ टू से, और कैसे बोलना है, यानी कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर से बने हुए कंप्यूटर सिस्टम को पता होना चाहिए व्हेन टू से, व्हाट टू से एंड हाउ टू से। ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम है। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज इनपुट जा रही है, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। अब ये नेचुरल लैंग्वेज इनपुट कैसे होगी? नेचुरली लैंग्वेज इनपुट कौन करेगा? पर्सन करेगा या यूजर करेगा जो उसको यूज कर रहा है? देन वो प्रोसेस होगी कंप्यूटर सिस्टम के पास जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग के बाद जनरेट करेगा नेचुरल लैंग्वेज में ही आउटपुट। यानी कि अगर इंग्लिश में आउटपुट इनपुट दिया गया है तो वो इंग्लिश में ही आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, ठीक है? ये पूछा गया उससे व्हाट डू मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देगा। अगर वो उससे ये क्वेश्चन किया गया है एनएलपी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं तो हिंदी में देगा आपको निकाल के। तो सर यही था हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी एंड उसकी डेफिनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। वीडियोस को समझने में अगर कोई भी डाउट आता है देन आप फ्रीली हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।